गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग होने लगी है यार। इंडिया ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है किसी चीज में। तो सबसे पहले आपको मैं टाइटल बताऊंगा, उसके बाद आपको सही से आइडिया होगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इंडियन वेपन, इंडिया बिग अचीवमेंट। मतलब इंडिया ने शायद कोई बड़ा वेपन बनाया है या कोई मतलब और वेपन की इंडस्ट्री में मतलब कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ये अभी वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से आइडिया होगा कि हुआ क्या है भाई। बिल्कुल। तो डिफेंस शो का ये वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, ये बेस्ट किस्म की वीडियोस देते हैं मतलब डिफेंस की। तो देखते हैं भाई मतलब कौन सी मतलब चीज बना ली है जो मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट। और वाकई यार भाई DRDO हो तो कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिखाया है और एक बहुत ही घातक विनाशकारी हथियार हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है, जिसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो इसी के बारे में बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसके नाम पर। तो दोस्तों भारत में हर रोज कोई ना कोई हथियार सामने निकल कर आता रहता है। हाँ, और भारत लगातार बहुत ही तेजी के साथ नए नए घातक हथियार बना रहा है। और दोस्तों हालांकि हमने कई सारे हथियार बनाकर तैयार भी कर लिए हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे उपकरण और हथियार हैं जिन्हें हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और इसमें हमारे डिफेंस बजट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा लग जाता है। और इसी तरह के हथियार होते हैं आर्टिलरीज या फिर कह ले तोपें। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए तोपें बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती हैं। दोस्तों असल में दुनिया के हर देश के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार उनके हिसाब से कारगर होते हैं। हो सकता है कि भारत के लिए जो हथियार बहुत ही महत्व रखता हो वो खाड़ी देशों में कोई भी काम ना आए, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही अलग हैं। और दुनिया भर में हर देश में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं और इसीलिए हर देश के लिए हर हथियार का अपना अलग महत्व रहता है। और इसीलिए भारत के लिहाज से आर्टिलरी, होविट्जर्स और अन्य तोपें बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती हैं, क्योंकि भारत के जो दो दुश्मन मौजूदा समय में हैं उनसे सबसे ज्यादा युद्ध की संभावना पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। और पहाड़ी क्षेत्र का मेरा मतलब है कि या तो पाकिस्तान से लगती LOC जम्मू कश्मीर में मतलब इस तरह का युद्ध हो सकता मतलब है, या फिर भारत तिब्बत सीमा यानी कि LAC पर चीन से गतिरोध चलता है। और ये दोनों ही इलाके पूरी तरह से पहाड़ी इलाके हैं और इन्हीं पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा कोई हथियार अगर कारगर साबित होता है तो वो है तोप थी। और भारत के पास आज भी कई सारी ऐसी तोपें हैं जो भारत ने दूसरे देशों से खरीदी हुई हैं। और भारत की जो स्वदेशी तोपें हैं भी वो अभी उतनी वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारी सेना के लिए बहुत ही घातक वर्ल्ड लेवल की जो तोपें बनाई हैं। और ऐसी ही एक आर्टिलरी DRDO ने डेवलप करी है और इसका नाम है ATAGS। और दोस्तों खबर बड़ी ये निकल कर आ रही है कि हाल ही में ATAGS के ट्रायल शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ महीनों पहले ही एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि ATAGS के ट्रायल्स के दौरान इसमें बैरल ब्लास्ट हो गया था, जिसको लेकर इसके ट्रायल्स डिले करा दिए गए थे। लेकिन अब इसके एक बार फिर से ट्रायल शुरू हो गए हैं और भारतीय सेना के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही इसको बनाया गया है। और इन ट्रायल्स के पूरे हो जाने के बाद भारतीय सेना आगे की कार्रवाई इन तोपों की खरीद को लेकर करेगी। और दोस्तों ये कोई मामूली तोपें नहीं है, भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई इन घातक आर्टिलरी गन्स ने रेंज के मामले में दुनिया की बाकी सभी आर्टिलरीज को पीछे छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, 48 किलोमीटर तक इसने फायर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और दोस्तों भारत के हिसाब से ये आर्टिलरी बहुत ही बेहतर साबित होगी, क्योंकि पहला तो ये स्वदेशी रूप से बनाई गई है और ये इतनी बेहतर है कि दुनिया भर में सबसे घातक आर्टिलरी गन्स में इनकी गिनती हो रही है। और भारत को लद्दाख के पहाड़ी इलाके में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक बहुत ही घातक हथियार ATAGS के रूप में मिल रहा है। तो हम तो यही कामना करेंगे कि इस आर्टिलरी के ट्रायल्स पूरी सफलता के साथ पूरे हों। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। रेंज के मामले में बना दिया इसने, इसी साथ तो ये वीडियो खत्म। तो यार मतलब बहुत ही बड़ा ये देखा जाए तो
इंडिया ने इस चीज में रिकॉर्ड बनाया, स्पेशली रेंज के मामले में। हाँ, रेंज के मामले और ये बाकी में यार तोपे किसी भी चीज के लिए काम होती है। तोपे तक इंडिया मतलब बाहर की तोपे मोस्टली यूज करता था। हाँ। और जो इंडिया के पास थी वो मतलब इतनी खास नहीं थी, मतलब इंडिया के पास इंडिया ने अभी अपनी ये डीआरडीओ ने तैयार किया या जो जिस भी मतलब कंपनी ने डीआरडीओ को ही बोल रहे थे ना, तो उन्होंने तैयार किया जब क्योंकि इनकी एक तो रेंज में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया क्योंकि ये रेंज इसकी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये घातक बहुत ज्यादा है, मतलब बेस्ट किस्म की तोप अपने लिहाज से उन्होंने बनाई। अभी ट्रायल इनके स्टार्ट हो गए क्योंकि इंडिया को इंडिया अब हर चीज अपनी बना रहा है। दूसरे देशों पे उन्होंने इंडिया ने निर्भर खत्म कर दिया। मतलब ये पिछले कुछ सालों से हुआ है कि मतलब इंडिया पहले मोस्टली चीज मतलब क्या होता था, इंडिया की ये स्ट्रेटेजी थी कि ज्यादा पैसा दे के बाहर से हथियार मंगवा लाजमी बात और अपने हथियारों पे मतलब ध्यान नहीं देना और मतलब इसी तरह बाहर से मंगवा लिए, पैसा भी ज्यादा चला जाता था, हथियार भी आते थे लिमिटेड आते थे। और अभी इंडिया क्या है, अपनी सोर्स बना रहा है, अपनी हथियार बना रहा है, इससे मतलब भाई खर्चे भी कम आएगा और इंडिया फ्यूचर में उनको बेच भी सकते हैं। यार देखो जब भी किसी दूसरे देश से आप हथियार खरीदते हैं जो भी उनकी एक तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक। हाँ, रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मतलब उन पे अटैक नहीं करोगे, मतलब उनके किसी बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जो भी होता है, एग्रीमेंट इनको करने पड़ते हैं जिस हिसाब से भी हो। दूसरी बात यह है कि यार जो आपका देश में लगने वाला पैसा होता है वो दूसरे देश में चला जाता है, मतलब वो उससे फायदा ले लेते हैं। जो आप अपने देश में अपने देश का पैसा अपने देश में ऊपर ही लगाओगे तो वो एक तो अपने देश में ही पैसा आएगा सारा, दूसरा ये है कि जो चीज आप अपने देश के लिए बनाओगे वो अपने से बेस्ट मतलब लेवल पे बनाओगे। जिस तरह अब अमेरिका है, अमेरिका का जिस तरह F-35 फाइटर जेट है वो सेम उसी तरह की फाइटर जेट की कॉपी बनाकर देता है, उस तरह के फंक्शन नहीं रख कर देता। ये बात है, ये बात है, किसी को भी नहीं देता कभी भी कोई भी अपना जिस तरह कोई जेट बैठते ओरिजिनल फंक्शन होते हैं वो किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं देता क्योंकि अब और किसी को क्या पता कौन से फंक्शन हुए फंक्शन है। यही बात है, ये दे दिया मतलब यही बात है। बेशक कोई भी अभी कोई भी देगा, बेशक वो रशिया हो या कुछ हो, तो इंडिया ने अपनी तोप बनाई है और इसने मतलब बनते साथ ही मतलब सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड ये काम किया कि इसकी रेंज सबसे ज्यादा है। और मतलब इसका दूसरी बात ये है कि देखो जितनी भी रेंज इसकी ज्यादा होगी, मतलब अभी तो काम इनका चल रहा है और भी चीजों पे काफी ज्यादा, इसकी रेंज भी बहुत जबरदस्त है, मतलब है भी काफी पहाड़ी इलाकों में यूज होती है बहुत ज्यादा। दूसरी बात यह कि यार इंडिया की अभी एक बात ये माननी पड़ेगी कि जो भी चीज है, चाहे एयरक्राफ्ट देख लो, टैंक्स देख लो, कोई भी चीज देख लो, जो भी चीज बन रही है वो इंडिया में मतलब वो खुद उसके इंडिया खुद में हर चीज मतलब अभी खुद ही बनाई जा रही है, तो उसको कहते हैं आत्मनिर्भर बन रहे हैं बिल्कुल हर चीज में। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।